कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत आज हम पहला पाठ लेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां q का मान शून्य नहीं होगा। यानी p बट्टे q में p तो शून्य हो सकता है, लेकिन q का मान शून्य नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पहला हमने उदाहरण लिया है 5/0। यदि हम इसकी तुलना p बट्टे q से करें तो p की जगह तो 5 आएगा, p का मान 5 है लेकिन q का मान शून्य है। जबकि अभी हमने परिभाषा में कहा था कि q का मान शून्य नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे कि 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि हम और उदाहरण लें तो जैसे हम कहें कि 0/5 कहते हैं, एक हमने उदाहरण लिया 0/5, तो 0/5 में p का मान शून्य है लेकिन q का मान 5 है। तो q का मान शून्य नहीं है, इसलिए 0/5 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 2/3, 5/7 या 4/5, इन तीनों से आप समझ सकते हैं कि p और q का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यह तीनों भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 6/7 आदि भी परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम संख्याओं को लें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, क्या वो परिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या नहीं होती है, हमने देखा है। तो 3, जैसे हमने मान लीजिए एक उदाहरण लिया, तो 3 को हम 3/1 कह सकते हैं। हमने 3/1 कहा तो ये p/q के रूप में आ गया। यदि हम 5 लें तो 5 को भी हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 3 और 5 भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 3 को 3/5 के रूप में और 5 को 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या भी एक परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म की। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म हम पहला गुण देंगे संवृत गुण, यानी जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि यह संवृत गुण का पालन करता है या नहीं है। संवृत गुण का अर्थ है कि यदि दो परिमेय संख्या हम लें, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग करें, तो उनका जो परिणाम आएगा, क्या वो परिणाम भी परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, इसको हम कुछ उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। पहला मान लिया योग। हम यदि हमने दो परिमेय संख्या मान लीजिए ली, एक ली 3/4 और दूसरी 2/3, इन दोनों संख्याओं को हमने यहाँ योग के हम जांच कर रहे हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने से हमें प्राप्त होगा 17/12। तो हमने देखा कि 3/4 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है, तो इनको जोड़ने पर 17/12 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम घटाने में देखते हैं, हमने दो परिमेय संख्या ली 3/4 और 2/3, इनको हमने परस्पर घटाया तो हमें 1/12 प्राप्त होगा। हम कहेंगे कि 3/4 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं को परस्पर घटाया तो हमें 1/12 प्राप्त हुआ, जो भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग और घटाने में संवृत गुण का पालन करती हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे, संवृत गुण की जांच करेंगे गुणा और भाग के लिए। अब हम संवृत गुण की जांच कर रहे हैं गुणा और भाग के लिए। गुणा के लिए हमने दो परिमेय संख्या ली, माना 2/5 और 3/4 हमने ली। तो 2/5 और 3/4 को यदि हम परस्पर गुणा करें तो हमें 6/20 प्राप्त होता है, जो स्वयं में एक परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्या को हम गुणा करें तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम 2/5 में 3/4 का भाग दें तो हमें 8/15 प्राप्त होता है, यानी दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा और भाग, इन चारों संख्याओं में संवृत गुण का पालन करती है। अब हम लेंगे परिमेय संख्या का अगला गुण, जो है क्रम विनिमेय। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म में क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय का अर्थ है क्रम को बदलना। क्रम को बदलने में सर्वप्रथम जोड़ को यदि हम लें, तो जोड़ को लेने के बाद यदि हम दो संख्याएं लें, जैसे एक हमने 3/4 और दूसरी संख्या 2/3, इसको यदि हम इस क्रम में जोड़ेंगे, 3/4 और 2/3 यदि हम जोड़े तो हमें 17/12 प्राप्त। अब हमने इसका क्रम बदल दिया, यानी 3/4 को बाद में लिखा, 2/3 को पहले लिख दिया, इसी को हम क्रम विनिमेय कहते हैं। यानी क्रम इसका बदल गया, 2/3 जो पहले बाद में था वो पहले आ गया। तो 2/3 में 3/4 जोड़े तो भी 17/12 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3/4 में 2/3 जोड़े या 2/3 में 3/4 जोड़े, दोनों का मान समान होता है। दोनों का मान देख रहे हैं आप, 17/12 दोनों जगह आ रहा है। तो क्या घटाने में भी यह क्रम विनिमेय गुण का पालन करती है? दो हमने परिमेय संख्या ली 3/4 और 2/3, यदि हम परस्पर घटाएं तो हमें 1/12 प्राप्त होगा। अब हमने इसका क्रम विनिमेय कर लिया, यानी क्रम को बदल दिया,
अभी हम 3/4 से 2/3 घटा रहे हैं, अब हम 2/3 में से 3/4 को घटाएंगे, तो हमें प्राप्त हो रहा है ऋण 1/12। इसका अर्थ है कि क्रम विनिमय में क्रम को बदलने में हमें एक सा मान प्राप्त नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कि 3/4 में 2/3 घटाएं और 2/3 में 3/4 घटाएं, तो दोनों मान परस्पर बराबर नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं अब कि परिमेय संख्याएं जोड़ में तो क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं, परंतु घटाने में ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या का गुणा और भाग में भी क्रम विनिमय गुण का पालन करती है या नहीं। अब हम क्रम विनिमय गुण की जांच करेंगे गुणा व भाग के लिए। पहले हम जांच करते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए हमने दो परिमेय संख्या ली, जो हमने 5/7 और 3/5 ली, इनको परस्पर यदि हम गुणा करें तो 15/35 प्राप्त होगा। अब हमने इनका क्रम बदल दिया, यानी 3/5 को पहले लिख लिया और 5/7 को बाद में लिख दिया, और हमने 3/5 में 5/7 को गुणा किया तो भी हमें 15/35 ही प्राप्त होता है, यानी हमें क्रम बदलने पर मान उतना ही प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 गुणा 3/5 बराबर 3/5 गुणा 5/7, यानी कि परिमेय संख्याएं गुणा की संख्या में क्रम विनिमय गुण का पालन करती है। अब हम भाग में देखते हैं, यदि हम 5/7 में 3/5 का भाग दें तो हमें 25/21 प्राप्त हो रहा है, और इसका क्रम हम परस्पर फिर बदल दें, अब हम 3/5 में 5/7 का भाग दें तो हमें 21/25 प्राप्त हो रहा है। ये दोनों मान परस्पर बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि 5/7 भाग 3/5 बराबर नहीं है 3/5 भाग 5/7 के, यानी कि परिमेय संख्याएं भाग में क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय गुण का पालन करती है, जबकि घटाने व भाग में क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती है। अब आपके लिए कार्य है कि आप इसी संवृत गुण और क्रम विनिमय गुण की जांच कोई दूसरे उदाहरण लेके अपने घर में स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।